आ गई और एक हेल्दी टेस्टी स्नैक्स लेके। हाँ, मिलेट से बनाऊंगी आज फाराली पैटीज। नमस्ते, मैं शौरबानी, सहजे सुस्वादु किचन में आपको हार्दिक स्वागत है। ये स्नैक्स मैं मिलेट से बनाऊंगी। अगर आप चाहे तो इसे बिना मिलेट से भी बना सकते हैं, तो मिलेट के बदले में उधर क्या डालना पड़ेगा मैं बता रही हूँ बाद में। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तैयार करने के लिए हम ले लिए हैं 300 ग्राम वजन का आलू। इसे बॉईल करके छिलका निकाल के कद्दूकस कर ले। कद्दूकस करने से लंप नहीं रहेगा, इसलिए इसका डो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एक छोटा चम्मच नमक, जोअर पाउडर यानी जोअर के आटा इधर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। डालते डालते आपको समझ के लेना पड़ेगा कितना सा चाहिए। मेरे को ए डो बनाने में 8 बड़ा चम्मच जोअर आटा का ज़रूरत पड़ा। ये वजन में 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हुआ। ऐसा नरम नरम ही इसका डो बनेगा। मिलेट से बने डो थोड़ा चिपकता है। और एक कटोरी में ग्रेट किए हुए नारियल 1/4 कप, हरा मिर्च बारीक काटे, धनिया पत्ता बारीक काटे, आधा छोटा चम्मच अदरक पेस्ट, बारीक काटे हुए किशमिश काजू पेस्ता। आप चाहे तो आपका मन पसंद और भी नट्स डाल सकते। ये हेल्दी स्नैक्स बना रही हूँ, इसलिए चीनी के बदले में मिश्री डाला। एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। फाराली पैटीज का स्टफिंग तैयार हो गया। अब एक प्लेट में जोअर आटा ऐसा करके फैला दीजिए। बड़ा डो से छोटा छोटा डो तोड़ के लेना पड़ेगा। ये डो ऐसा नरम होगा, इसलिए ही जोअर पाउडर के ऊपर इसको दे के बॉल बना के छोटा छोटा रोटी बना के इसके अंदर स्टफिंग दे देंगे। 1.5 छोटा चम्मच स्टफिंग देंगे। ज़्यादा स्टफिंग देने से ये तोड़ के आएगा और कम स्टफिंग देने से खाने में स्वाद नहीं लगेगा। नाना तरह का मिलेट होता है, जोअर भी एक मिलेट है। इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट होता है। जोअर हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट में लड़के बॉडी को हेल्दी बनाता है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। जिनको ग्लूटेन एलर्जी होता है उनको ग्लूटेन फ्री खाना खाने का ज़रूरत पड़ता है। जोअर ग्लूटेन फ्री होता है, इसके वजह से ग्लूटेन एलर्जी पीपल भी इसे ले सकते। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाता है, क्योंकि खाने के साथ साथ ही ये डाइजेस्ट नहीं होता, धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होता है, इसलिए धीरे धीरे ब्लड शुगर रेज होता है। एलडीएल कोलेस्टेरॉल को कम करता है, इसलिए हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है। हमारा शरीर में जो जो न्यूट्रिशन का जरूरत होता है उसका 48% ही निभाता है जोअर। ये पेट भी ठंडा रखता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन का एक अच्छा सोर्स होता है जोअर। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी रहता है इसमें। अलग अलग करके रखिए, एक के साथ एक न चिपक जाए। कुछ आटा के ऊपर भी रखिए। इसे शैलो फ्राई करेंगे, ग्राउंड नट ऑयल से फ्राई करेंगे। आप कोई भी व्हाइट ऑयल से फ्राई कीजिए। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे। एक साइड 2 मिनट करके फ्राई करके पलट के और एक साइड 2 मिनट फ्राई करेंगे। फिर से इस साइड हो जाने के बाद और एक बार पलट के 2 मिनट फ्राई करके उठा लेंगे। हाई फ्लेम में फ्राई करने से अंदर से कुक नहीं हो पाएगा, बाहर से जल जाएगा। इतना सा सामग्री से मेरा 10 पैटीज बना है। अगर आप मिलेट से ना बनाइए, जोअर पाउडर से ना बनाए, कॉर्नफ्लावर से बनाइए। ट्रेडिशनली इसे कॉर्नफ्लावर में बनाया जाता है। रेसिपी अच्छा लगा ना, तो देर किस बात का, लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे हेल्दी टेस्टी रेसिपीज के लिए सहजे सुस्वादु को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।